और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आज के लेसन में हम देखेंगे कि आप YouTube वीडियो पे मल्टीपल एड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैं YouTube को ओपन करता हूँ और मल्टीपल एड लगाने के लिए आप अपने चैनल में जाएंगे। माय चैनल पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे यहाँ से वीडियो मैनेजर पे क्लिक करता हूँ और जिस वीडियो पे आप मल्टीपल एड लगाना चाहते हैं आप उस वीडियो को सिलेक्ट करेंगे। और इसके लिए याद रखेंगे कि हमेशा मल्टीपल एड उसी वीडियो के ऊपर लगते हैं जो 10 मिनट से ज्यादा की वीडियो होती है। 10 मिनट से कम की जो वीडियो थी उस पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक वीडियो जो कि 6 मिनट की वीडियो है या फिर 7 मिनट की वीडियो जो है, इसको मैं एडिट में जाके आपको बताता हूँ। राइट क्लिक करके ऊपर न्यू टैब पे क्लिक करता हूँ और अब ये मेरे पास जो वीडियो है इसकी ये जो तकरीबन ड्यूरेशन 7 मिनट की वीडियो है, तो मैं इसको यहाँ से मोनेटाइज पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे देखिए किसी किस्म का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। इसी तरह मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे जो वीडियो मेरे पास है 11 मिनट की ये वीडियो है, इसको मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ से मोनेटाइज पे मैं क्लिक करूंगा। इसके साथ देखिए तो एड ब्रेक का ऑप्शन यहाँ पे आ गया, जबकि मेरे पास जो दूसरी वीडियो है ये वाली, इसके साथ किसी किस्म का कोई एड ब्रेक का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आया। तो मेन कि 10 मिनट से जो ज्यादा की वीडियो होगी उसके साथ एड ब्रेक का ऑप्शन आएगा। अब मेरे पास ये जो वीडियो है इस वीडियो पे सिर्फ एक ही एड अप्लाई है, मैं आपको बता देता हूँ। लेसन नंबर 5 है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का। तो यहाँ पे देखें तो सिर्फ एक ही एड है, आपको यहाँ पे देखें ये नजर आ रहा है, एक ही एड यहाँ पे चल रहा है इसके साथ। मल्टीपल आप एड में इसके साथ एड करता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक मेरे पास यहाँ पे ये एड है, बल्कि इसको मैं यहाँ से इंसर्ट एड पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे जाके इंसर्ट एड पे क्लिक कर लेता हूँ, एक एड ये आ गया। फिर आगे इसको लेके जाता हूँ, इंसर्ट एड पे क्लिक करता हूँ, दो एड हो गए। आगे लेके जाए इंसर्ट एड 3, 4, 5, 6, ये मैंने एड इस पे अप्लाई कर लिया, ये सारे एड मैंने दे दिए। और उसके बाद मैं यहाँ से, अब मेरे पास कितने एड हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एड हो गए एक ही वीडियो के ऊपर। और आप यहाँ से सेव चेंज पे क्लिक कर ले। ओके, सेव हो चुके हैं। अब मैं यहां से जाता हूं और इस वीडियो को देखता हूं जरा दोबारा से। अभी मेरे पास एक ही ऐड बता रहा है, लेकिन ये आप बस मैं दोबारा से देखता हूं, थोड़ा सा शायद टाइम लगे, फिर आपको ये 5 ऐड बता देगा, 5 या 6 ऐड जितने भी लगाए। ओके, अभी नहीं बता रहा, लेकिन इसमें ये ऐड सारे के सारे अप्लाई हो चुके हैं। और लेसन नंबर कौन सा है जी आपका, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फाइल मेन्यू लेसन नंबर 5 है। चले वीडियो मैंने वीडियो में जाके देखते हैं लेसन नंबर 5 को। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ वर्चुअल अकेडमी डॉट पी की, सॉरी वर्चुअल अकेडमी नहीं, मैं यहाँ से यूट्यूब, मैं अपने वर्चुअल अकेडमी के चैनल पे आता हूँ और यहाँ पे मैं जाके वीडियो पे क्लिक करूंगा, बल्कि प्लेलिस्ट पे क्लिक करूंगा। प्लेलिस्ट में जी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में लेसन नंबर 5 आई थी, लेसन नंबर 5 मेन्यू लेसन नंबर 5 है ये यहाँ पे। नहीं बता रहे, शायद मैंने ये ऐड नहीं किया हुआ यहाँ पे, वीडियो में जाता हूँ प्लेलिस्ट में, शायद ऐड नहीं किया हुआ। लेसन नंबर 5 ये, इसमें मैं क्लिक करता हूँ यहाँ से। ओके, तो देखिए यहाँ पे अब ये लेसन नंबर 5 है, देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016 लेसन नंबर 5 है। और यहाँ पे भी देखिए यही चीज़ है, लेसन नंबर 5 ये।
और ये लेसन नंबर 5 जो इस पे देखें ऐड भी मेरे पास 1 2 3 4 5 ऐड लग चुके हैं। तो मीन कि आप एक वीडियो पे काफी सारे ऐड अप्लाई कर सकते हो और ये तरीका है ऐड अप्लाई करने का, और शर्त ये है कि आपकी वीडियो 10 मिनट से ज्यादा की होनी चाहिए। तो ये था आज का लेसन जिसमें हमने मल्टीपल ऐड अप्लाई करना सीखे अपनी एक वीडियो के ऊपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम जो है तो कुछ और चीजों पर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।